जय शंभु, जय महाकाल। नाग पंचमी का विशेष दिन आज के दिन हर हिंदू परिवार में नाग देव की आराधना, पूजन, अर्चन एवं उपवास किया जाता है। आज के दिन भगवान नाग देवता की पूजन की जाती है और उन्हीं के नाम से उपास रखा जाता है, जिससे कि शुभ फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो नाग पंचमी के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। मैं आपको दो तीन कथाएं बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार है। भविष्य पुराण के अनुसार जब सागर मंथन हुआ तब नागों ने अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना करी और माता की बात नहीं मानने के कारण माता उनसे नाराज हो गई। उन्होंने नाग देवता को श्राप दे दिया। नागों को कहा कि वो राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। इससे भयभीत होकर नाग देवता घबरा गए, व्याकुल हुए। इस श्राप से बचने के लिए वह अपने उपाय ढूंढने लगे और वह सभी ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे, जहां पर ब्रह्मा जी ने नागदेव से अपने आने का कारण पूछा। तब नागदेव ने अपने श्राप के बारे में पूरी जानकारी ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने सब सुनकर और उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब नाग वंश में महात्मा जरुतकारु के पुत्र आस्तिक होंगे तब वह सभी नागों की रक्षा करेंगे। यह उपाय ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को बताया था। जब महात्मा जरुतकारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने नागों को यज्ञ में जलने से बचाया था तब श्रावण मास की पंचमी तिथि थी। आस्तिक मुनि ने नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें बचाया। इसके बाद आस्तिक मुनि ने कहा था कि जो कोई भी पंचमी तिथि पर नागों की पूजन करेगा उसे नागदंश का भय नहीं रहेगा और वह इस भय से मुक्त रहेंगे। तब से ही श्रावण मास की पंचमी पर नाग पंचमी मनाई जाती है। इसके अलावा एक कथा और प्रचलित है। एक बार किसान अपने खेत में हल चला रहा था। वह किसान के यहाँ दो बेटे एवं एक बेटी थी। वह किसान अपनी किसानी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन जब वह अपने खेत में हल चला रहा था उसके द्वारा गलती से हल में नागिन के अंडे कुचला गए। इससे नागिन के अंडे नष्ट हो गए और वह खत्म हो गए। उस समय नागिन वहां पर नहीं थी। जब नागिन वहां पहुंची और उसने देखा कि मेरे अंडे नष्ट हो चुके हैं तो वह बहुत क्रोधित हुई और उसने पता लगाया कि ये किसके द्वारा किया गया और वह बदले की भावना से अपार क्रोधित हो उठी थी। उन्होंने बदला लेने की संकल्प ले लिया। क्रोधित नागिन ने बदले की आग में किसान के दोनों बेटों को डस लिया और उनकी मौत हो गई। दोनों बेटों को डसने के बाद नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन उस समय किसान की बेटी घर पर नहीं थी, इसलिए उसको वह नहीं डस पाई। लेकिन बदले की भावना से नागिन दूसरे दिन भी किसान के घर पहुंची और उसकी बेटी को डसने की भावना से वह ओतप्रोत थी। उसी इरादे से वह फिर दूसरे दिन किसान के घर पहुंची। वहां किसान की बेटी ने एक कटोरी दूध नागिन के सामने रख दिया। ऐसा देखकर
वह बहुत हैरान हो गई और प्रसन्न हुई उस लड़की की क्रिया से। नागिन प्रसन्न हुई। लड़की ने नागिन से माफी भी मांगी। किसान की बेटी की क्षमा भाव को देखकर नागिन बेहद खुश हुई और उसके दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना श्रावण शुक्ल की पंचमी तिथि की हुई। इसी कारण से यह दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। एक कथा और प्रचलित है जो मैं आपके बताने जा रहा हूँ। एक किसी गांव में एक सेठ रहते थे। उनके सात पुत्र थे, सात बहुएं थी। श्रावण मास में एक दिन उनकी बड़ी बहू ने कहा कि आज चलो घर को अपन साफ सफाई करें और घर में लिपाई कर लें, पुताई कर लें। इसी भावना से वह मिट्टी लेने के लिए घर से बाहर गई। जहां पर वह पीली मिट्टी निकाल रही थी, खोद रही थी, उस समय एक सर्प का बच्चा नागदेव वहां आए और बड़ी बहू उस सर्प को मारने लगी। लेकिन सातों बहनों में से छोटी वाली थी बहू थी, उसने उसको मना करा कि दीदी इनको नहीं मारो, ये मेरे भाई हैं, भ्राता हैं। इस प्रकार बड़ी जेठानी ने सर्प को नहीं मारा और सर्प एक दूर जगह जाकर बैठ गया। सातों देवरानी जेठानी जब वापस जाने लगी तो छोटी बहू ने सर्पदेव से कहा कि भाई आप इंतजार करना, मैं आपके लिए दूध लेके आ रही हूँ। और वह घर जाके अपने काम में व्यस्त हो गई और वो बात भूल गई कि सर्प को दूध पिलाना है। रात में जब उनको याद आई तो वह छोटी बहू जो थी वह सुबह उठी और प्रातः से ही एक कटोरे में ठंडा दूध लेकर वहां उसी जगह पहुंची जहां पर कि सर्प बैठा हुआ था। नागदेव वहां बैठे थे, हालांकि क्रोधित हो गए वो, परंतु जैसे ही छोटी बहू आई उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्षमा करना, मैं काम में व्यस्त होने के कारण आपके लिए दूध नहीं ला पाई और भूल गई। क्रोधित नाग ने कहा मैं चाहता तो आपको डस सकता था, लेकिन चूंकि आपने मेरे को भाई कहा है और आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए आज से मैं आपका भाई हूँ और आपसे प्रसन्न हूँ। उन्होंने दूध ग्रहण किया। वो दिन भी नाग पंचमी का था। बाद में श्रावण रक्षाबंधन आया, तब सेठ की छह ही बहुएं अपने अपने पिहर जाने लगी और बड़ी बहू बोलती है कि छोटी के तो पिहर ही नहीं है, इसके घर में कोई नहीं है, कहाँ जाएगी। उसी समय अचानक से एक बाहर भाई पहुंचा और बोला कि चलो बहन आपको पिहर चलना है। सभी जेठानी आश्चर्यचकित हो गई, इसके तो पिहर में कोई भी नहीं था, ये भाई कहाँ से आया। तो सेठ जी ने पूछा आप कौन। वह बोले मैं भी इनका भाई हूँ, जो कि बाहर था जब मैं छोटा था और हम सब छोटे जब भी बाहर चला गया था, बहुत दूर से रिश्ता मेरा इनका, और आज मैं पहुँचा हूँ वापस तो मुझे मेरी बहन की याद आई, उनको लेने आया हूँ। और उन्होंने विश्वास दिलाया उस परिवार को कि इनका भाई हूँ मैं। सेठ जी उस बात को मान गए और छोटी बहू को वो भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में जाते समय वह भाई बोलते हैं छोटी बहू से कि बहना मैं वही भाई हूँ जो उस दिन आपने मेरी रक्षा करी थी, मैं नाग हूँ, आप डरना नहीं, आप मेरे साथ चलें। और वह अपनी बहन को, धर्म बहन को नागलोक ले गए जहाँ पर नागमाता और ही परिवार नाग देवता सभी लोग थे। वहाँ पर इनने जाके बताया कि माँ ये मेरी धर्म बहन है और मैं इसको लेके आया हूँ। नागमाता खुश हुई, पहले अच्छी बात है बेटा, और
बड़े प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत किया गया। रोज नाग माता अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, दूध ठंडा करके उनको देती थी, और जैसे ही दूध ठंडा होता था एक घंटी बजा देती थी, पूरे नाग बच्चे छोटे बच्चे सब आके दूध पीने लगते थे। एक दिन ये बहना बोली कि आज माँ मैं दूध पिला देती हूँ। कि ठीक है, नाग माता ठीक बोलकर वहां से चली, कुछ काम से बाहर चली गई। उसी समय चूंकि पहली बार ये दूध पिला रही थी, तो इन्होंने दूध गर्म करा, उसके बाद कुछ कम ठंडा हो पाया था, ठंडा पूरा नहीं हो पाया और इन्होंने घंटी बजा दी। जैसे घंटी बजाई तो पूरे नाग छोटे छोटे बच्चे आके दूध पीने लगे, लेकिन दूध कुछ गर्म था और उनका मुंह जल गया। इससे क्रोधित होकर नागराज उस बहना को डसने लगे, लेकिन नाग माता ने मना करा कि नहीं नहीं, उससे गलती हो गई, वो अपनी बेटी है और अपना बेटा उसको बहन बना के लाया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन नागराज मानने को तैयार नहीं, वह बहुत नाराज थे और वह उस बेटी को डसना चाहते थे। खूब समझाने के बाद भी वह नहीं माने। फिर राज नाग माता ने कहा कि अभी ये अपनी मेहमान है, मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, जब यह अपने घर पहुंच जाए तब आप चाहे उनके घर जाकर उसको डस सकते हैं, अभी नहीं डसना। नागराज इस बात को मान गए और एक दिन वह नाग जो भाई बना था उसने कहा, बहना अब मैं आपको घर छोड़ने चलता हूँ। नाग माता ने बहुत सारा जेवर सोने जवाहरात उसके साथ भेज दिए और वह उनके घर छोड़ने चला गया। साथ में ही नागराज भी पहुंचे दसने के भाव से, लेकिन जब वह बहना अपने घर पहुंची और सब जेवरात देके सब कुछ देके उनके घर, सब जेठानी बहुत प्रसन्न हो गई, कहे इतना सारा धन धन कहाँ से लाई कि मेरे भाई ने दिए, भाई साथ था। उन्होंने कहा इतना धन लेके आई है तो घर की साफ सफाई के लिए एक झाड़ू भी ले आती है सोने की। नाग भाई ने वह इच्छा ही पूर्ति करी और एक साथ में जेवर और दिया जो उनका हार था, हीरे जवाहरात से मणियों से सुसज्जित हार बहन को दे दिया। पीछे से नागराज पहुंचे और दसने भानस वहां पहुंच गए, लेकिन चूंकि बहना अंदर गई थी उसने वहां से एक कटोरी में दूध लाया और नागराज को पिलाया ठंडा दूध। नागराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी गलती को क्षमा करा और नागदेव को दूध प्राप्त होता है तो वह प्रसन्न होते हैं। नागदेव वापस हो गए। वो हार इतना प्रचलित था सेठ जी के छोटी बहू का कि आसपास एरिया में पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया कि नाग सेठ जी की छोटी बहू के पास बहुत ही सुंदर हार है, बहुत ही महंगा हार पहने हुई है। नगर के राजा पास ये बात पहुंची और वहां की महारानी को यह बात हजम ने भी और उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे वह हार चाहिए जिसकी पूरी जगह चर्चा हो रही है। ऐसा सुनने पर राजा जी ने मंत्री को आदेश दिया और सेठ जी घर पहुंचा कि हार लेके आओ। मंत्री पहुंचे सेठ के घर पर और वह छोटी बहू का हार मांगा, कहा राजा साहब हार बुला रहे हैं। सेठ जी ने हार दे दिया और वो चले गए मंत्री जी। लेकिन नाग की बहन जो थी सेठ जी की छोटी बहू बड़ी दुखी थी, मेरे भाई ने मुझे हार दिया और राजा साहब वह हार ले गए, वह अपने भाई को याद कर रही थी। तभी भाई उपस्थित हुए, बोला बहना दुखी मत हो, हार वापस मिलेगा। और वो हार जैसे ही राजा के घर पहुंचा, राज परिवार में वह हार पहुंच गया, मंत्री द्वारा ले जाया गया। महारानी ने वह हार अपने गले में जैसे ही धारण किया
वह हार तुरंत नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। रानी ने तुरंत फेंक दिया अवतार के बाहर और राजा ने आदेश दिया मंत्री को कि वह सेठ जी की छोटी बहू को तत्काल लाए, वह जादू कर रही है। छोटी बहू राजा जी के सामने प्रस्तुत हुई और कहा, राजा जी बोलते हैं क्या जादू करते हैं आप? छोटी बहू कुछ नहीं बोली, कहा, महाराज मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, यह हार मेरे भाई ने दिया था और यह हार वो है कि मेरे गले में रहेगा तो यह हार जेवरात सोने से बना रहेगा और जैसे ही कोई दूसरा इसको धारण करेगा तो यह सर्प का रूप धारण कर लेगा। राजा ने कहा, आपके भाई को बुलाओ। ठीक है, छोटी बहू ने अपने हृदय से भाई को याद किया और नागदेव वहां उपस्थित हुए और कहा, जी महाराज मैं ही हूँ, इसका भाई हूँ और ये हार मेरे द्वारा दिया हुआ है, ये मेरी बहन है, इसने मेरी रक्षा करी थी इसलिए इसको मैंने बहन माना है। राजा जी प्रसन्न हुए और वह हार वापस किया और छोटी बहू से राजा जी क्षमा मांगी। वह तिथि भी पंचमी थी। इन तीनों कथाओं में विशेष दिन पंचमी को माना गया है, श्रावण मास की। तब से ही यह नाग पंचमी की पूजन होती है और हर हिंदू परिवार में यह पूजन की जाती है। इस दिन भगवान नाग की जो पूजन करते हैं, कहा जाता है भगवान नागराज उनको सर्पदंश से मुक्त करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। जय शंभु, जय महाकाल। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यदि आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छे लगते हैं और आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल श्री शंभु दरबार अवश्य सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एवं लाइक करिए। जय शंभु।